विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही प्रदेशों में राजनीतिक माहौल बनने लगा है। पार्टियां चुनाव के लिए तैयारियों में जुट गई हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की जनता से जमीनी स्तर पर जुड़ने में लगे हुए हैं, जिसके लिए मुख्यमंत्री विकास यात्रा के माध्यम से छत्तीसगढ़ के हर जिले में लोगों के बीच पहुँच रहे हैं और सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा कर रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री बीते दिनों बलौदा बाजार, राजनांदगांव और कवर्धा में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। गुरुवार को मुख्यमंत्री राज्य के छुई खदान पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जनता के बीच राजनीतिक सौगातों का पिटारा खोला। इस बार 1140 करोड़ का फसल बीमा पूरे प्रदेश में बट रहा है। 1140 करोड़ अकेला फसल बीमा, सूखा राहत 568 करोड़, धान बोनस 1700 करोड़, ये है सरकार की योजना और इस योजना का क्रियान्वयन हम करने में लगे हुए हैं। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, आज सभी योजना बनाने नहीं आया हूं, मगर गौरी शंकर जी ने जो कहा किसानों के लिए कुछ न कुछ नई बात या किसानों के लिए बेहतर करने का, हमने किसानों के लिए तय किया है। किसानों के जो प्रथम पंप जो 5 हॉर्स पावर का लगाते हैं, एक पंप में 7,500 यूनिट हमने निःशुल्क किया है या फ्लैट रेट में देने की सुविधा की है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री लगातार जनता के बीच बने रहने की कवायदों में जुटे हुए हैं। चुनाव के नजदीक आते ही यह नजारा और भी दिलचस्प हो सकता है। अब देखना यह होगा कि छत्तीसगढ़ की जनता इस विकास यात्रा के बाद किसका साथ देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टैलेंटेड इंडिया। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।